नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत को हर संभव विजय देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी हैं, तभी चाइना भारत के सामने घुटनों के बल झुकता हुआ नजर आने वाला है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबा, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां भारत चीन तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दे सकते हैं संसद में बयान। बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत का ये विमान दुश्मन पर 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करेगा हमला। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा विमान है बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर चीन में अमेरिकी राजदूत छोड़ सकते हैं अपना पद, ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर, साथ ही आपको बताएंगे जहां चाइना ने अमेरिका पर किया है तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा चाइना ने अमेरिका को लेकर बताएंगे आपको, साथ ही शी जिनपिंग को राजनीतिक तख्ता पलट का डर। जी हाँ दोस्तों, नेताओं और अफसरों की वफादारी का ले रहे हैं टेस्ट, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही अमेरिकी टिकटॉक को लेकर भी बड़ी खबर है, उससे आगे बताएंगे। जहां अगर आप लोग भी घर बैठे हुए दोस्तों और बेरोजगार बैठे हुए हैं, या फिर रोजगार भी है तो संतुष्टि वाला रोजगार नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर है दोस्तों, जहां पर आप शुरुआती वेतन 1100 रुपए प्रति घंटा कमा पाएंगे। अगर आप भी इस प्रकार की नौकरियां जॉब चाहते हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है कि भारत चीन तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दे सकते हैं संसद में बयान। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर इस वर्ष के प्रारंभ से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच इस तनाव के हालात और सरहद पर चीन के उकसाने वाले कदमों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी मंगलवार को लोकसभा में बयान दे सकते हैं। कोरोना की महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार से ही प्रारंभ हुआ है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे पर टकराव के दौरान हवा में गोलियां चलाने का आरोप लगाया था। ऐसे में दोस्तों, अब देखना यह होगा कि संसद में राजनाथ सिंह चाइना को लेकर कौन कौन सी बातें बोलने वाले हैं। जो भी खबरें आएंगी दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। एक और खबर की माने तो भारत का ये विमान दुश्मन पर 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करेगा हमला। जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सोमवार को उड़ीसा तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों की माने तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आज का परीक्षण एक बड़ा कदम है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है, जो 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। जी हां दोस्तों, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। ऐसे में भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। 12251 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 3.40 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। इतनी गति से जब ये दुश्मन पर हमला करेगा तो उसके बचने का कोई भी संभावना नहीं, कोई भी मौका नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत ने ये नया टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है अपने में। ऐसे में आप कितने खुश हैं दोस्तों, और आपको क्या लगता है कि भारत चाइना से युद्ध में कामयाब हो पाएगा दोस्तों, हाँ या ना? देखते हैं आप लोगों को अपने भारतीय सैनिकों पर कितना भरोसा है और भारत के साइंटिस्टों पर कितना भरोसा है, जरूर बताएं।
आएगा 0 से 100% के बीच में एक अंक जरूर दीजिएगा भारत पर भरोसा के लिए। एक और खबर की ओर चलें तो चीन में अमेरिकी राजदूत छोड़ सकते हैं अपना पद, पोम्पियो के ट्वीट से मिला ये संकेत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को किए गए ट्वीट के आधार पर एक ऐसा संकेत दिया है कि चीन में अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रॉन्स्टेड अपना पद छोड़ रहे हैं। पोम्पियो ने 3 साल से अधिक समय तक सेवा के लिए ट्विटर पर राजदूत ब्रॉन्स्टेड को धन्यवाद दिया। हालांकि अमेरिकी विदेशी विभाग से इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हो पाई है, जैसी कोई पुष्टि होती आपको तुरंत बताएंगे। एक और खबर की माने तो राष्ट्रपति पीएम समेत देश की बड़ी हस्तियों की जासूसी कर रहा है चाइना, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि शेंजेन बेस्ट चीनी कंपनी झेंजुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड भारत में करीब 10,000 लोगों की निगरानी कर रही है। इस कंपनी का चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध है। इस चीनी कंपनी की करीब 10,000 भारतीयों पर नजर है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर एक मेयर तक शामिल है। ऐसे में दोस्तों चाइना की पूरी कोशिश है कि भारत के बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स की जानकारी यानी गोपनीय जानकारी को चुरा करके उनको सुना जाए और उन पर कार्य किया जाए और ये देखा जाए कि भारत कितना ताकतवर है और भारत में चाइना को लेकर कैसी कैसी बातें होती है और इसको लेकर वो उस पर संज्ञान ले और भारत को कमजोर बनाने की कोशिश करे। तो दोस्तों ये मंसूबा चाइना का भारत कभी पूरा होने नहीं देगा। आपको बता दे दोस्तों कि जब जब चाइना ने भारत की गोपनीयता को चुराने की कोशिश की है तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसकी सारी चोरी को पकड़ करके एक ठोस टेक्नोलॉजी होने का दावा किया है भारत में। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है चाइना की इस चोरी को लेकर, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन ने अमेरिका पर किया तीखा हमला, कहा विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है अमेरिकी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, बता दे आपको वॉशिंगटन के साथ जारी तनाव के बीच चीन ने अपनी सेना पर आई अमेरिकी रिपोर्ट की तीखी आलोचना की। चीनी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी करके अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। अमेरिका पर पलटवार करते हुए चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि रिपोर्ट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और 140 करोड़ लोगों के बीच संबंधों की एक गलत तस्वीर पेश की जा रही है। बीते वर्षों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि क्षेत्रीय अशांति के लिए पूरी तरह अमेरिका जिम्मेदार है। वो न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करता है बल्कि वॉशिंगटन की ओर से उठाए गए हर कदम विश्व शांति को नुकसान ही पहुंचाते हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाते हुए चाइना दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप किस प्रकार से चाइना को घेरना चाहते हैं, इस बात को लेकर जरूर बताइएगा। जैसा कि आपको भी पता है कि अमेरिका हर संभव भारत की मदद के लिए सामने खड़ा है दोस्तों, और चाइना इस बात को जानते हुए अमेरिका पर ही आरोप और झूठी खबरें फैला रहा है। ऐसे में दोस्तों आप अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने रैली में किया दावा, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर उनकी तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका के नेवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अब तक सबसे अधिक टेस्टिंग की है, ये टेस्टिंग भारत से भी ज्यादा है, भारत दूसरे नंबर पर है और हमसे 44 मिलियन टेस्ट पीछे है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया और तारीफ करते हुए कहा है कि टेस्टिंग में आपने शानदार काम किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया होगा दोस्तों, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो शी जिनपिंग को राजनीतिक तख्ता पलट का है डर, नेताओं और अफसरों की वफादारी का ले रहा है टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो नया पैतरा, अब ड्रैगन ने अलापा शांति का राग, कहा चीन का दुश्मन नहीं है भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़े शब्दों में जवाब दिया है, तो वहीं चीन की
तरफ से दोनों देशों के बीच शांति बहाली की बात कही जा रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि बीजिंग ने नई दिल्ली को लेकर अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। गौरतलब है कि इस अखबार ने कई दफा भारत के साथ युद्ध करने की बात को दोहराया था। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने कहा, हम भारत को दुश्मन की तरह नहीं देखते हैं, भारत को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए हम भारत से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसने कहा, पुरानी स्थिति बहाल होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, दोनों देशों को एक दूसरे से मुलाकात करते रहना होगा। ऐसे में दोस्तों, आपको नहीं लगता कि चाइना की इस मीठी मीठी बातों में भारत को नहीं फंसना चाहिए दोस्तों, और चाइना के किसी भी बातों का भारत को जवाब और भरोसा नहीं करना चाहिए? हाँ या ना, जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस पर, लिखना मत भूलेगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो योशीहिदे सुगा को शिंजो आबे का उत्तराधिकारी चुना गया, जल्द लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। जी हाँ दोस्तों, सुगा को प्रधानमंत्री शिंजो आबे का उत्तराधिकारी चुना गया है। उन्होंने सोमवार को बेहद ही आसानी से आंतरिक वोट में जीत हासिल की। गौरतलब है कि आबे ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पद छोड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में दोस्तों, सुगा को प्रधानमंत्री पद के लिए धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर दोस्तों। देखते हैं आप लोग कितने खुश हैं उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखकर। एक और खबर की माने तो कोरोना पर चीन बेनकाब, उसी के वैज्ञानिक का खुलासा, देश की सरकारी लैब में बनाया गया है ये वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हांगकांग में काम करने वाली शीर्ष वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी जांच के दौरान एक कवर अप ऑपरेशन का पता लगाया है और कहा है कि चीन की सरकार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से पहले ही वायरस के प्रसार की जानकारी थी और चीनी सरकार के अंदर में ही सारा देख रेख कोरोना को लेकर होता था दोस्तों, और चाइना के ही लेबोरेटरी में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। ऐसे में दोस्तों, चाइना की ही साइंटिस्ट ने ये बड़ा दावा किया है और कहा है कि मेरे पास सबूत भी है। और आपको बता दे दोस्तों कि उन्होंने ये बात चाइना से निकलकर अमेरिका पहुंचने के बाद सारा बड़ा खुलासा किया। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइनीज साइंटिस्ट का ये कहना कितना सत्य है, जरूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कि ये बिल्कुल सत्य है कि कोरोना की उत्पत्ति चाइना से ही हुई है, तो ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में चाइनीज वायरस जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो BRI को लेकर भारत को कमजोर करने के लिए चीन ने दक्षिण एशिया में तैनात किए खास राजदूत। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त मोर्चा निर्माण विभाग UFWD के करीबी चीन के एक राजनेता नोंग रोंग को पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भेजकर बीजिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के समर्थन में दक्षिण एशिया को प्रभावित करने की कोशिश में है। राजदूत नोंग ने इसी सप्ताह इस्लामाबाद में कैरियर राजनयिक याओ लिंग की जगह ली। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी, आपका इस पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन से तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी पत्रकारों को आगाह कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पीटर डुटोन ने देश में काम कर रहे विदेशी पत्रकारों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे देश के मामलों में पक्षपात पूर्ण विचार पेश करते हैं तो वे संघीय एजेंसियों की पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ मंत्री ने यह बात ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प को दिए साक्षात्कार में एक खास समुदाय पर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों का जिक्र करते हुए कहा है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका से बड़ी खबर है, जहां टिकटॉक ओरेकल को बेचेगी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। जी हां दोस्तों, टिकटॉक ने अमेरिका में अपनी कंपनी को बेचने के लिए ओरेकल को चुना है। टिकटॉक को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल मैदान में उतरे थे, लेकिन उसने ओरेकल को चुनना बेहतर समझा। इस सौदे से परिचित एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी। ऐसे में दोस्तों, टिकटॉक का ओरेकल यानी अमेरिकी कंपनी के साथ जाने को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, क्योंकि चाइना से तो बेटर ही है कि अमेरिका ने टिकटॉक को खरीद लिया है, आपका इस पर क्या मानना है जरूर बताइएगा टिकटॉक को लेकर। एक और खबर की माने तो इसराइल में 3 हफ्ते का लगा दिया गया है लॉकडाउन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया इसका यह बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कोविड के केस को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया, जो कि एक बड़ा ही कठोर स्टेप कह सकते हैं आप लोग। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो साजिश के तहत ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरंगों के जरिए भारत में आतंक
धमकी भेज रहा है पाकिस्तान, ड्रोन से गिरा रहा है हथियार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, बता दें भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान भूमिगत सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का खुलासा कर दिया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए सीमा पार बनाई गई सुरंग इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन के जरिए उन आतंकियों को हथियार पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा खुलासा हुआ है। जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों को लेकर हमेशा से ही फंसता हुआ और हर देशों के सामने बेइज्जती होती हुई नजर आती है दोस्तों, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अकल नहीं आता है। लेकिन बेशर्मी की हद यहाँ हो जाती है जब सब देशों की तरफ से खरी खोटी सुनने के बावजूद भी पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ संज्ञान नहीं लेता है और आतंकवादियों को और मोटिवेट ही कर देता है दोस्तों, यानी कि उनको प्रोत्साहित कर देता है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है पाकिस्तान को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान इसराइल के बाद अब यूएई ने अमेरिका से किया प्रतिरक्षण समझौते पर करार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन पर भारतीय राजनयिक को तलब कर लिया है और लगाए ये गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राजनयिक के समक्ष हॉट स्प्रिंग और रख चिकरी सेक्टरों में शनिवार रात भारतीय सैनिकों की गोलीबारी और कई उकसावे की कार्रवाई पर एतराज जताया। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि गोलाबारी में एक लड़की की मौत हुई है जबकि 4 अन्य पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिक लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक भारत ने 2225 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जिसमें 18 लोगों की मौत हुई और 176 लोग घायल हो गए। तो इस प्रकार के दोस्तों झूठा आरोप भारत पर लगाया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों और किस प्रकार से भारत को संज्ञान लेना चाहिए पाकिस्तान पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो शांति वार्ता के बीच अफगान सेना ने ढेर किए 19 तालिबानी आतंकी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हुआ कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी उन्होंने ये जानकारी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो राम मंदिर टेरर प्लान को लेकर बड़ी खबर है जहां आतंकी मसूद अजहर पढ़ना चाहता है राम मंदिर में नमाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर आतंकियों की नजर है। पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत आतंकियों के आकाओं को राम मंदिर का निर्माण बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो इसके खिलाफ साजिशों के पुल बांध रहा है और यहाँ तक कि मसूद अजहर तो राम मंदिर में नमाज पढ़ने की मंशा पाल रहा है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों और इस मसूद अजहर के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की बात को लेकर आप किस प्रकार से पलटवार करना चाहेंगे, जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो स्कूल को दोबारा खोलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है जहां जल्द खुलेंगे स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों के लिए जारी कर दिए नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, सोमवार यानी 21 सितंबर से देश भर के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइंस साझा की है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से टीचर और बच्चों के बीच में दूरी और क्लास कैसे चलेंगी और स्कूल ग्राउंड में किस प्रकार से बच्चे रहेंगे, हर तरह की जानकारी और हर तरह का सूचना बच्चों को इस पोस्टर के जरिए दिया गया है और 21 सितंबर से स्कूल खोलने की बात कही है। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोगों के भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोगों से एक सवाल है, क्या अभी स्कूल खोलना उचित होगा दोस्तों, हाँ या ना, या फिर बच्चे घर से ही सही पढ़ पा रहे हैं या और जब तक वैक्सीन नहीं आती है स्कूल नहीं खुलना चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों और आपका क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कंगना रनौत ने दी उद्धव ठाकरे को चुनौती, कहा देखते हैं कौन किसको ठीक करता है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर जहां सांसदों की सैलरी में होगी 30% की कटौती, लोकसभा में पेश किया गया ये बिल। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी को लेकर अहम फैसला ले लिया है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बिल पेश किया जिसमें एक साल तक सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती का प्रावधान है। सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी
महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए लिया है। ऐसे में दोस्तों इस कदम की आप कितनी सराहना करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ममता सरकार का बड़ा ऐलान, कहा ब्राह्मण पुजारियों को हर महीने 1,000 रुपए और मुफ्त आवास देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार, तो क्या बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी एक्ट्रेस कंगना रनौत? देवेंद्र फडणवीस ने दिया इस बात का जवाब, कहा जरूरत ही नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही पार्टी के सबसे बड़े सुपरस्टार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फडणवीस की बात का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 1,00,000 लोगों को नौकरी देगा अमेज़न, शुरुआती वेतन 1,100 रुपए प्रति घंटा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना काल में नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी के बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने 1,00,000 नए लोगों की नियुक्ति करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा कि नई नियुक्तियां अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के पदों पर की जाएगी। ये नए कर्मचारी ऑर्डर की पैकिंग, डिलीवरी या उन्हें छांटने का काम करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां छुट्टियों में की जाने वाली भर्तियों की तरह नहीं होगी। अमेज़न के वेयर हाउस की देखरेख करने वाले एलिसिया बोलर डेविस ने कहा कि कंपनी कुछ शहरों में $1,000 के साइन ऑन बोनस की पेशकश कर रही है, जहां डेट्रॉइट, न्यूयॉर्क। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने से लोग हैं जो लोग घर बैठे हुए हैं और कोई रोजगार नहीं है उनके पास, या फिर जो रोजगारी है लेकिन वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है, वो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी ही लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो